मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक कुएं ने देखते ही देखते 13 महिलाएं और बच्चियों की जिंदगी निगल ली है। ये कुआं मौत का कुआं साबित हुआ है। आपको बता दें कि यूपी के कुशीनगर में नेबुआ नौरंगिया में परमेश्वर कुशवाहा के घर में शादी की रस्म चल रही थी और सभी महिलाएं मटकोड़वा की रस्म, जिसमें कुएं के पास मटकी फोड़ी जाती है, ये रस्म कुएं पर जाकर ये महिलाएं अदा कर रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में कुएं के पास महिलाएं इकट्ठा हुई थी। आपको बता दें ये कुआं काफ़ी पुराना था और इस पर स्लेब के ऊपर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां चढ़ गई थीं और ये स्लेब इनका भार नहीं झेल सका और महिलाएं बच्चियां समेत ये स्लेब टूट गया और स्लेब टूटने की वजह से इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां गिर गईं। देखते ही देखते शादी के घर में मातम फैल गया। हर तरफ चीख पुकार, रोते बिलखते लोग अपने परिजनों को बचाने की गुहार लगाते रहे और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई और एम्बुलेंस को भी बुलाया गया, मगर मौके पर पहुंची पुलिस और गांव वालों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और महिलाओं और बच्चियों को इस कुएं से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। मगर जब कुएं से एक के बाद एक महिलाएं और बच्चियों को बाहर निकाला जाने लगा, उस बाद अस्पताल इन्हें पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस ही नहीं पहुँची थी, जो एक बड़ी लापरवाही सामने आई। आनन फानन में पुलिस वालों ने अस्पताल किसी तरह से अपनी गाड़ियां और दूसरी गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक महिलाएं और बच्चियों सहित कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं के एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया, वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होने स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशन में और 13 ही दुखद बात है कि उन सभी की डेथ हो गई है और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। ये बहुत दुखद घटना है कि मतलब इतने लोग उस कुएं के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए था। ये उसके उस स्लैब जो गिरने की वजह से ये घटना हुई है। अभी जो संज्ञान में जो आए हुए हैं कि जो यहाँ की जो नज़दीकी CHC में जो डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे वो संज्ञान में आए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम शासन को लिखेंगे। और दूसरा चीज़ है, जो जिला अस्पताल में भी भेजा गया है वहाँ पर भी हम लोग उनका इलाज के लिए पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। शादी की रस्म अदा करने में महिलाएं और बच्चियों सहित कुल 13 लोगों की जान तो चली गई, हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है।